अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुन, कैसे, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड, बीएस, एडीई और मास्टर की असाइनमेंट शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, लेकिन एलएमएस के ऊपर जब हम ओपन करते हैं, पहला मसला ये हो रहा है कि वहाँ पर कोर्स कोड अपडेट नहीं हुए। दूसरा मसला ये है कि अगर कोर्स कोड अपडेट हुए हैं तो वहाँ पर सिर्फ अनाउंसमेंट का ऑप्शन आ रहा है असाइनमेंट वन का, और असाइनमेंट टू का ऑप्शन नहीं आ रहा। हम किस तरह अपनी असाइनमेंट जो है उसको अपलोड करें? तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यही कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको इसके बारे से आगाह कर दूँ। तो आपने क्या करना है, आप पहले की तरह वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन तुलबा के हवाले से बात कर लेते हैं जिनके कोर्स कोड अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना, यूनिवर्सिटी आपके टाइम से पहले ही आपका जो कोर्स कोड है उनको अपडेट कर देगी। यानी कि बीएस वालों ने 13 फरवरी को असाइनमेंट जमा करवानी, तो 12 फरवरी से पहले पहले आपके असाइनमेंट जो है, आपके असाइनमेंट के कोर्स अपडेट हो जाएंगे, आपके एलएमएस के ऊपर डाल दिए जाएंगे। इसी तरह बीएड वालों ने 20 फरवरी को अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है, तो आपकी 19 फरवरी से पहले पहले आपके असाइनमेंट के कोर्स अपडेट हो जाएंगे। इसी तरह मास्टर वालों ने 27 फरवरी को अपनी असाइनमेंट जमा करवानी, तो 27 फरवरी से पहले आपके कोर्स कोड अपडेट हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ अपना एलएमएस पोर्टल जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चेक करते रहना है। पहला मसला होता है कि एलएमएस ओपनिंग का, अगर एलएमएस ओपन हो जाता है तो कोर्स कोड वहां पर अपडेट हो जाएंगे। अगला मसला यह है कि जिनका एलएमएस पोर्टल ओपन हो जाता है वहां पर कोर्स कोड शो हो जाते हैं, लेकिन वहां पर असाइनमेंट वन का और असाइनमेंट टू का ऑप्शन शो नहीं होता, तो उन तुलबा के लिए क्या हिदायत है? तो उन तुलबा के लिए यही हिदायत है, आप लोग वेट करें। वेटिंग के अलावा इसका कोई भी और सोल्यूशन नहीं है। आपने परेशान नहीं होना कि यूनिवर्सिटी इस दफा असाइनमेंट का लिंक बहाल नहीं करेगी, लिंक जल्द ही अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगी। आप बस वेट करना और चेक करते रहना, कोई भी आपने किसी को ईमेल वगैरह नहीं करनी। सब स्टूडेंट्स का वहां पर असाइनमेंट वन और असाइनमेंट टू का ऑप्शन नहीं है। तो इसके वाले से काफी तुलबा परेशान थे कि हम असाइनमेंट किस तरह अपलोड करेंगे। अपलोड करने के हवाले से इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, जब यूनिवर्सिटी लिंक ऑन कर देगी तो उसके हवाले से मैं वीडियो मैसेज आपको दे दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर दफा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।